हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो पहली ट्रेड में है वो लॉस हो चुका है। पहली ट्रेड में मेरा 1150 का लॉस हुआ। ये जो ट्रेड है ये मुझे कॉल साइड में दिख रही थी इसलिए मैंने इसको लिया, और ये मुझे जो है स्कार्पिंग ट्रेड दिखी तो फिर इसमें ट्रेड में लेते ही जो है मुझे लॉस हो गया है 1500 रुपये का। छोटा सा ही लॉस है जो कि मेरा 20 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस था जो कि हिट हो गया है। अब मुझे एक और ट्रेड मिली है, वो मुझे बैंक निफ्टी में ही मिली है। ये जो है मेरी पुट साइड में ट्रेड है। ये ट्रेड जो है वो मैंने आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दी है, और अगर आप वीडियो का इंटेक्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये क्या देखते हुए ट्रेड ली। ये आप 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, मार्केट जो है कितना आज जो है बियरिश मूव कर रहा है, और हमें जो है इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करने के भी काफ़ी सारे मौके मिल रहे हैं। हमारे स्टॉप लॉस भी जो है वो इसमें सिर्फ 10 पॉइंट का ही है, ज़्यादा बड़ा हमारे इसमें स्टॉप लॉस है नहीं है। तो फिर जब आपको ट्रेड मिल रही है सेकंड ट्रेड, अगर आपका पहली ट्रेड में लॉसेस हो जाते हैं तो फिर आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या देखते हुए ट्रेड्स लेनी चाहिए, वो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया है और हम जो है प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, लेकिन मैं मेरी ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाली हूँ। पर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने जहाँ पे 2 लॉट लिए थे स्टार्टिंग में, अब मैंने जो है वो 1:2 जब मुझे मिल गया तब मैंने जो है मेरा अपना आधा जो क्वांटिटी है वो निकाल दी। अब जो ये 25 क्वांटिटी है इसमें बार बार जो है टाइम टू टाइम जैसे मुझे ट्रेलिंग का मौका मिलेगा वैसे मैं ट्रेल करती रहूँगी, और ट्रेल में कैसे करती हूँ वो मैंने आपको मेरे पहले वाली काफ़ी वीडियोस में भी आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से जो है मार्केट हमें ट्रेलिंग का भी मौका दे रहा है और मार्केट कितने अच्छे से जो है एक अच्छी फॉल भी दिखा रहा है। तो यही जो है चीज़ें आपको कुछ ध्यान में रखनी है कि जिस वक्त आप ट्रेड लेते हैं तो वो टाइमिंग बिल्कुल सही हो। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको मेरे पहले भी वीडियो में बताए हैं, और प्रॉफिटेबल बनने के लिए जो जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं आज भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट में कितनी अच्छी हमें इसमें एक फॉल देखने को मिल रही है। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट होता है या फिर जो मैंने मेरा टारगेट सोचा हुआ है वो मुझे मिलता है। तो मैंने जो है यहाँ पे मेरा टारगेट भी लगा दिया है होल्ड किए हुए मैं ट्रेड को, मैं ट्रेड कहीं से एग्जिट नहीं करने वाली हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो है आज 2800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसमें जो है मुझे मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो भी, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे इसमें प्रॉफिट में आ चुके हैं। इस ट्रेड का जो आप अगर प्रॉफिट देखें तो फिर वो हमें हुआ है लगभग 4000 रुपये का। तो जो हमारा लॉस था उससे भी ज़्यादा अच्छा ही हमें जो हमने सॉरी लॉस नहीं जो हमारा हमने एसएल रखा हुआ था उससे बहुत ही अच्छे हम प्रॉफिट्स में आ गए हैं। और अब आप इसके 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं कितने अच्छे से मार्केट में आज जो फॉल आई है। और उसके बाद देखिए फिबो के मेन जो है 0.236 के लेवल पे से ही इसने रिजेक्शंस लिए हैं, स्टॉप लॉसेस दिए भी हैं, जो हमारा एसएल है वो भी हम लगा सकते हैं, उसके भी मौके हमें दिए हैं, और कितने अच्छे से मार्केट में फॉल्स आई हैं। आप हर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाके देख सकते हैं मार्केट में फॉल आई। तो यहाँ पे जो है ये देखते हुए मैंने अपने जो है कॉल साइड में ट्रेड ली, क्योंकि ये फिबो के लेवल पे से ही जो है रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा था, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, ये फिर से नीचे आ गया। तो मार्केट ने जहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था वहीं से इसने सॉरी जहाँ से सपोर्ट लिया था वहीं से रेजिस्टेंस ले लिया और फिर मार्केट नीचे आया, तब मैंने यहाँ पर जो है मेरी पुट साइड में ट्रेड ली। और मैंने इसमें जो है लगभग 200 पॉइंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ 138 पॉइंट्स जो हैं वो मुझे इस ट्रेड में बहुत ही आसानी से देखने को मिले हैं। और जो कि आज मैंने आपको बताया भी है कि मैंने कितने अच्छे से मेरे ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस मैंने स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया है, कैसे कैसे मैंने मेरे ट्रेड्स को हैंडल किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ट्रेड्स को हैंडल करना आ गया होगा कि कैसे कैसे जो है आप जब ट्रेड चलती रहती है तो आप कैसे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करें, क्या आपका माइंडसेट होगा कि जब आप अपने जो ट्रेड लेते हैं वो उसको ऐसे ही एग्जिट ना करें, ऐसे ही आप अपने स्टॉप लॉस ना लगाएं, कुछ भी देख के अपने प्रॉपर लेवल्स को देखते हुए अपने स्टॉप लॉसेस लगाएं। तो ऐसे ही अगर आप जो है पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड्स लेते रहेंगे और अपने पॉइंट्स को नहीं भूलेंगे तो फिर आप जो है बहुत ही जल्दी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और वो पॉइंट्स क्या हैं
उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं आगे वीडियो में कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं कि हम अगर हमारा जो है ट्रेड में लॉसेस हो जाते हैं या फिर हम कैसे हमारे जो ओवर ट्रेडिंग है उससे बच सकते हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला जो पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है पॉइंट, कि अगर आपका जो है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, तो फिर ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इफ़ यू आर इन अ लॉस, अगर आप लॉस में है पहली ट्रेड में, इन फर्स्ट ट्रेड, देन देन टेक सेकेंड ट्रेड विद कन्फर्मेशन। अगर आप पहली ट्रेड में लॉस में है तो आप सेकेंड ट्रेड जो लेते हैं वो और भी ज़्यादा कन्फर्मेशंस के साथ ले, क्योंकि पहली जो ट्रेड है वो हम एक दो कन्फर्मेशंस के साथ ही लेते हैं, लेकिन सेकेंड ट्रेड जो लेते हैं आप वो काफ़ी सारे कन्फर्मेशंस के साथ लें। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, इफ़ सेकेंड ट्रेड बिकम्स प्रॉफिटेबल, देन अगर आपका जो सेकेंड ट्रेड है, मतलब फर्स्ट ट्रेड में ठीक है आपका लॉस हो गया और सेकेंड ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, देन मिनिमाइज इट्स रिस्क, तो उसका जो रिस्क आप रख रहे हैं उसे कम कर दीजिए। जहां आप देखिए, पहली ट्रेड में आपने 1,000 रुपये का रिस्क रखा है, दूसरी ट्रेड भी आपने ली उसमें भी आपने 1,000 रुपये का रिस्क रखा है और उसमें आपका प्रॉफिटेबल बन चुके हैं आप उस ट्रेड में, तो फिर आप अपना जो 1,000 रुपये का रिस्क है उसे कम कर दीजिए, उसे 500 कर दीजिए, 700, 800 इतना कर दीजिए, ताकि आपका जो है ज़्यादा लॉस ना हो और आप प्रॉफिटेबल भी बन जाएं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आपके जो है दो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं लगातार, इफ़ यू हिट टू स्टॉप लॉस इन सीक्वेंस देन बाय, अगर आपके लगातार दो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, पहली ट्रेड ली उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड ट्रेड ली उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप उस दिन ट्रेड ना लें, तो आप मार्केट बंद कर दीजिए और ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि आप मार्केट के पीछे भाग रहे हैं, वो आपका दिन नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर आएगा, आपको फिर से मार्केट में मौका मिलेगा, जो आप कर रहे हैं गलतियां उनको सुधारने के लिए ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आप अपनी लाइफ में लेते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया था 923 पे ही, कि हमें जो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में, जो है लगातार फॉल आ रही है। फिर मैंने आप लोगों के साथ 10:16 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी शेयर किया कि कब वो फॉल आई है, कब मैंने इसे कैच किया है, कब रीटेस्ट हुआ है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, टाइमिंग्स आप देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप चार्ट्स में भी देख सकते हैं मैंने कब मेरी ट्रेड ली है। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारे जो नए नए क्योर्स हैं और भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे भी लाते रहूँगी, दोनों का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।